क्या चीन में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या चीन ताइवान को कब्जाने वाला है? क्या भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार हो रहा है चीन? ये सवाल चीन की तैयारियों को देखते हुए पूछे जा रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने नागरिकों से इमरजेंसी हालात में जरूरी चीजों का पर्याप्त स्टॉक अभी से जुटाकर घर में रखने के लिए बोला है। साथ ही स्थानीय अधिकारियों से भी खाने पीने की चीजों की आपूर्ति बनाए रखने को कहा गया है। सरकार के निर्देशों से चीन के सोशल मीडिया पर भारी चिंता जाहिर की जा रही है। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में शी जिनपिंग की सरकार क्या बड़ा करने की सोच रही है। वैसे जिनपिंग सरकार की ओर से ये कहा गया है कि वो अपने दिमाग पर ज्यादा दबाव ना डालें और अपनी सुविधा के लिए वही करें जो कहा जा रहा है। चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है और हाल के दिनों में स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। चीन उसे बार बार धमकी भी देता रहा है। ऐसे में उसका ये कदम कई सवाल खड़े करता है। सोमवार की देर रात चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने परिवारों से कहा है कि वो आपात स्थिति के मामले में जरूरी चीजों को स्टॉक करें। वैसे चीनी सरकार का कहना था कि कोविड-19 के प्रकोप और असामान्य रूप से भारी बारिश के कारण सब्जियों और दूसरे उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के आसार हैं। लेकिन चीनी लोगों ने सोशल मीडिया पर चिंता जताते हुए कहा कि इसका संबंध पड़ोसी ताइवान के साथ बढ़ते तनाव से भी हो सकता है। चीन और ताइवान में इन दिनों तनाव चरम पर है। चीनी वायु सेना के लड़ाकू विमान आए दिन ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पिछले महीने ताइवान को शांति प्रिय तरीके से अपने देश में मिलाने की बात कही थी, जिसके बाद ताइवानी राष्ट्रपति ट्साई इन वेंग ने कहा था कि चीन हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर चीन ने हमला किया तो ये बहुत ही भयावह घटना होगी। आपको बता दें कि ताइवान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में यदि चीन कोई बड़ा कदम उठाता है तो ये महज दो देशों का मुद्दा नहीं रहेगा। इस वजह से एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि अप्रत्याशित मौसम की वजह से सब्जियों का उत्पादन और सप्लाई प्रभावित हो सकती है, क्योंकि हाल के हफ्तों में इनकी कीमतों में उछाल भी आया है। कई इलाकों में भारी बारिश से सब्जी की फसलें तबाह हुई हैं। दूसरी तरफ चीन में ठंड ने भी दस्तक दे दी है और कई इलाकों में तापमान 15 डिग्री तक गिरने की भविष्यवाणी हो चुकी है। सर्दियों में तो सब्जियां वैसे ही महंगी हो जाती हैं। ABP News आपको रखे आगे।